आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए और जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। अब इंतज़ार हो रहा है कि क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या ये लॉकडाउन यहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार केसेस आ रहे हैं, सूत्रों की माने और जिस तरह से जम्मू कश्मीर से भी प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट गई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अलग अलग डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से और बाकी चीफ सेक्रेटरीज की तरफ से, तो उससे तो ये लग रहा है कि इस लॉकडाउन को 15 मई तक हो सकता है एक्सटेंड किया जाए। हालांकि अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन प्रधानमंत्री ही देंगे, लेकिन बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस जो हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो ये एवरेज केसेस जो हैं 30 के करीब पिछले 4 दिनों में रोज़ाना आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस जो है उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो शायद हो सकता है, जो सूत्रों की माने, कि 15 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन प्रधानमंत्री की तरफ से ही आएगी। हालांकि आज 21 में से 20 दिन हो चुके हैं, एक दिन शेष रह चुका है और अब इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री कब तक इस चीज़ की घोषणा करते हैं। लेकिन अगर आम लोगों की भी माने और जो लोकल रिपोर्ट्स आ रही हैं उन लोगों का यही कहना है और सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए अगर कोरोना वायरस के ऊपर जो है काबू पाना है। तो आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक सल्होत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।